हेलो दोस्तों टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक ऊपर बात करने वाले हैं जिसका प्राइस की हम बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें फिफ्टीन हंड्रेड में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें आठ सौ पचास के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था उस समय से लगातार आप लोगों को वीडियो बनाकर बोला था कि इसका प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग वन थाउजेंड प्लस में हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें वन थाउजेंड प्लस में हमें देखने को मिला था उस समय भी हम आप लोगों का वीडियो बनाकर बोला था कि इस कि इसका प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें ट्वेल्व हंड्रेड प्लस में जाते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस हमें ट्वेल्व हंड्रेड प्लस में जाते हुए देखने को मिला था उस समय भी हम आप लोग से यही वीडियो बना के कहा था कि इसका आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसका प्राइस लगभग हमें फिफ्टीन हंड्रेड प्लस में हमें देखने को मिल सकता है और इसका हमें प्राइस फिलहाल फिफ्टीन हंड्रेड क्रॉस करके आगे हमें निकलते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस में लगभग दो हजार प्लस भी हमें देखने को मिल सकता है तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं जे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की रिगार्डिंग अगर मैं इसका आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमें लगभग तीन परसेंट से एभव का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है जो कि बात करें पिछले वन मंथ की तो आप देख सकते हो पिछले वन मंथ में इसमें हमें लगभग सेवन परसेंट से एभव का हमें रैली देखने को मिल रहा है जो कि काफी शानदार है दोस्तों वहीं हम बात करेंगे पिछले सिक्स मंथ की आप देख सकते हो कि पिछले सिक्स मंथ में हमें लगभग फिफ्टी टू परसेंट से एभअप का इसमें रैली देखने को मिल जो कि काफ़ी स्ट्रांग है वहीं बात करेंगे पिछले एक साल की तो आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में बहुत ही शानदार तरीके से रैली दी है लगभग एक से एभअप का मुनाफा दिया है जो कि काफ़ी शानदार है वहीं हम बात करेंगे पिछले फाइव ईयर की तो आप देख सकते हो कि पिछले फाइव ईयर में भी काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है लगभग यहाँ पे यहाँ पे फाइव हंड्रेड परसेंट से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का चार्ट पैटर्न की तो आप लोग तो यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार तरीके से हमें देखने को मिला है और यहाँ पे लगभग छियासठ सौ परसेंट से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है तो स्टॉक काफ़ी शानदार है दोस्तों फ्यूचर में और भी हमें रैली देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ से बात करें तो थोड़ा सा हमें करेक्शन फिलहाल देखने को मिल सकता है लेकिन फ्यूचर में इसका प्राइस हमें लगभग दो हज़ार प्लस में भी हमें देखने को मिलेगा लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए स्टॉक काफ़ी शानदार है सबसे बड़ी बात है कि सिंगल स्टॉक में यहाँ पे दो सेक्टर का यहाँ पे इसमें जुड़ा हुआ है एक तो केमिकल दूसरा फार्मास्यूटिकल दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा और इसमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें मुनाफा मिल सकता है तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं देन इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे अगर बात करें यहाँ पे एनएससी की साइड पे तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग यहाँ पे फिफ्टी परसेंट अप्रोक्स में हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों हमें ए इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस हमें बहुत ही शानदार तरीके से इसमें हमें रैली देखने को मिलेगा और इसका प्राइस लगभग हमें दो हज़ार प्लस में भी हमें देखने को मिल सकता है आप लोग देख सकते हो कितना शानदार तरीके से हमें इस स्टॉक में डिलीवरी देखने को मिल रहा है वहीं हम बात करेंगे इसका फिफ्टी टू लो एंड हाई का स्टॉक ओनली पिछले साल साढ़े छः सौ रुपये के ऊपर ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था जो कि हाल ही के दिनों में स्टॉक प्राइस हमें लगभग आज ही के दिनों में दोस्तों इसका सोलह सौ का इसने हाई बनाया है जो कि काफ़ी शानदार है वहीं बात करेंगे फेस वैल्यू का यहाँ पे रुपीज दो देखने को मिल रहा है दोस्तों वहीं बात करेंगे यहाँ पे आ, क्वार्टर का रिजल्ट रिलेटेड थे यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया था कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे इस स्टॉक में प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग हमें फिफ्टी सिक्स परसेंट का अप्रोक्सीमी हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रोमोटर का और यहाँ पे 2021 में दोस्तों एक बार इंटीरियम डिविडेंट यहाँ पे दिया है कंपनी ने एट पॉइंट एट पॉइंट फाइव प्रतिशत दोस्तों वही बात करेंगे क्या प्रोमोटर का सिर कोई प्लेस भी है तो यहाँ पर देख सकते हो कोई प्रमोटर का सिर हमें प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे इसका रिलेटेड यहा देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व पंस भी काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिला दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में भी हमें देखने को मिला है डेटा दोस्तों वही बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का तो यहाँ पर बिल्कुल डेफ्ट फ्री हमें कंपनी देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहीं बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग भी हमें थोड़ा सा हमें देखने को मिला है जो कि कोई खास है नहीं दोस्तों ऑलमोस्ट हमें डेफ्ट फ्री कंपनी देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे फिक्स एसेट का तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिक्स एसेट भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों अब हम अब हम बात करेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का तो यहाँ पे देख लेते हैं अगर बात करें इसका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हो सेल्स भी काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे एवरी क्वार्टर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें डेटा देखने को मिल रहा है, है दोस्तों वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट का तो नेट प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो चलिए अगर हम हम बात करते हैं इसका ओवरव्यू का तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों एक मिनट यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक का मार्केट मार्केटेशन हमें लगभग ग्यारह हजार आठ सौ प्लस में, में देखने को मिल रहा है जो कि सारा का सारा फिक्र दोस्तों करोड़ों में है वहीं बात करेंगे इसका सेक्टर के पीरसू का तो यहाँ पर थ्री एट पॉइंट सिक्स टू देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के पीरस्यू से इस स्टॉक का पीरसू काफी निचले स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है अब हम बात करेंगे इस स्टॉक में एफ आई की होल्डिंग कितना है डी आई की होल्डिंग कितना है तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले प्रमोटर हैं का तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें फिफ्टी सिक्स परसेंट का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी शानदार है वहीं बात करेंगे एफ आई की होल्डिंग की तो लगभग हमें साढ़े सात परसेंट का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे डी आई की होल्डिंग की तो लगभग हमें तेरह परसेंट का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है जो कि हम बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की तो लगभग हमें यहाँ पे ट्वेंटी थ्री परसेंट से एफ का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रांग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ही आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा समय करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है तो दोस्तों अगर इस प्राइस हम बात करें तो फिलहाल हमें तेरह सौ अस्सी रुपये का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं अगर इसमें करेक्शन आता है तो इसका प्राइस हमें इतना नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है अदरवाइज इसका प्राइस हमें फ्यूचर में लगभग दो हज़ार प्लस में भी हमें देखने को मिल सकता है तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो स्टॉक काफी शानदार है तो दोस्तों उम्मीद करो वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लगे, लगे प्लीज़ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था कि जो भी वीडियो का नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग जाएगा ओके दोस्तों थैंक यू बाय